तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन सीखने के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कैसे करते हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या होता है उनको लगाने का, ठीक है। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट तो है ही है, साथ में ये टू भी है, ध्यान दीजिए इसको। तो आपको हम एक टास्क देते हैं, इस डिटर्मिनेंट को जो आपके पास ये डिटर्मिनेंट दी गई है, इसे LHS हम कंसीडर कर लेते हैं, RHS हम लिखेंगे नहीं, हम बस लिख रखे हैं ताकि आपको दिखाई देता रहे, आप इस कॉपी में अपने कॉपी में इतना पार्ट नहीं लिखेंगे। आपको इस डिटर्मिनेंट को कुछ कन्वर्ट करना है यहाँ पे, दैट इज टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे टू टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, और फिर टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड में, ठीक है। ये आपको कन्वर्ट करना है, इसके लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन सोचिए, जब तक सारी एंट्री, बाकी एंट्री हम क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। तो जैसा कि आप सोच चुके होंगे क्या करना है, यहाँ पे सारी रो को हमें क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है, और किसको ट्रांसफॉर्म करना है, R1 को ट्रांसफॉर्म करना है, सच दैट R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों रो की एंट्री आपस में ऐड हो जाएं और रिजल्ट R1 में लिखा जाएगा। अब देखिए 2 इस वाले कॉलम से क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, इसके लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएंगे, इसके लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा R1 कॉलम को, R1 रो को डिवाइड करना है 2 से, कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना, ठीक है। इसका मतलब जो आपके डिटर्मिनेंट हो जाएगी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हाफ से आपने रो में मल्टीप्लाई किया है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही बनी रहे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आ जाएगा आपका पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब बाकी एंट्री तो हमें वही लिखनी है, सी प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, और आपके पास ए प्लस बी, और ये क्या हो गया पी प्लस क्यू, और यहाँ पे आ गया आपका एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट आप सोचिए ट्रांसफॉर्मेशन, इस डिटर्मिनेंट से हम चाहते हैं कि आपका ए प्लस बी प्लस सी यहाँ तो रहे ही, पी प्लस क्यू प्लस आर, और ये क्या रहे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब आर वन को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, किसको ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन सोचिए कि यहाँ पे माइनस बी आ जाए, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाए, और यहाँ पे माइनस वाई आ जाए, यहाँ पे आपका माइनस सी आ जाए, माइनस क्या आ जाए आर आ जाए, और माइनस जेड आ जाए। आई होप आप ये ट्रांसफॉर्मेशन सोच पा रहे होंगे। क्या करना है, R2 को ट्रांसफॉर्म करना है, क्या करें R2 माइनस R1 कर दें, वी गेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह से R3 को ट्रांसफॉर्म करना है, क्या करें R3 में से हम R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वी गेट दिस वन। अब आगे क्या, आगे तो आपको प्रूफ करना ही है, 2 आपका आ ही चुका है, सिर्फ यहां ए बी ए और पी और क्या आना चाहिए था, एक्स आना चाहिए था, क्या किया जाए, मतलब कुछ ऐसा सोचिए कि ये कहां ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये ट्रांसफॉर्म हो जाए, दैट इज रिटेन एज ए, पहली रो ट्रांसफॉर्म हो जाए, यहां पे ए आ जाए, यहां बी आ जाए, सॉरी यहां पे आपका पी आ जाए, और यहां पे आपका एक्स आ जाए, और बाकी आपका एज इट इज रहे, मतलब माइनस बी और फिर क्या है माइनस क्यू और माइनस वाई, और यहां पे आपका माइनस सी माइनस आर और माइनस क्या हो जाएगा आपका जेड। तो आई होप आप ट्रांसफॉर्मेशन सोच पा रहे होंगे, यहां किसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, रो को ट्रांसफॉर्म किया गया है, कौन सी रो को, आर वन को, क्या किया गया है आर वन में आर टू और आर थ्री की एंट्री को ऐड कर दिया गया है, ठीक है, तो आपको यह मिल जाएगा। अब आप बस एक कदम दूर हैं, आपको ये माइनस का सेट नहीं चाहिए, ये माइनस का सेट नहीं चाहिए, तो बड़ा आसान है, हम रो को ट्रांसफॉर्म आर टू आर थ्री को ट्रांसफॉर्म कर दें, है ना, या यूं कहें माइनस वन कॉमन कर लीजिए, कॉमन करने का मतलब माइनस वन टाइम्स आर टू, और आर थ्री भी ट्रांसफॉर्म कर दें माइनस वन टाइम्स आर थ्री, और अगले ही स्टेप में आपका आंसर होगा, बस अर्थ ये माइनस वन का क्या करें, ये तो स्क्वायर कॉमन होगा, दो ब्रैकेट है ना, और माइनस वन का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है आपका, माइनस वन की पावर इवन हमेशा क्या होती है प्लस वन होती है, तो ये आपका पी क्यू वाई और ये हो गया सी आर जेड, दैट इज इक्वल्स टू योर आर एच एस,
और आपका ये फाइनली माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, तो इसे हम हटा देते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में ले दीजिएगा, आपका प्रूफ हो गया।